तूने मूवी करी है और तूने दो वेब सीरीज करी है, खुद को एक्टर बनना था, तो बाय चांस फिर यूट्यूबर की तरफ एक जर्नी चली गई। मैं 18 लाख भी लेके जाऊंगा, फ्रॉम अ क्रिएटर टू अ मूवी स्टार कह लो। और हो ना हो अगले साल बिग बॉस का भी ऑफर आ जाएगा, वो मेरे को हर साल आता है। हर्ष बेनीवाल 2014 दिल्ली, जहां से इनका करियर शुरू हुआ था, बट YouTube से इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग नहीं की थी। He begins with a very unique platform, Dubsmash. 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 Dubsmash is an app where you can choose from any sound, famous movie themes, and TV shows, songs, pretty much everything. ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोग इस ऐप का यूज कर रहे थे, and Dubsmash was growing rapidly in that time. And Harsh saw this opportunity too on this new platform, and Harsh ने भी इस पे वीडियोस बनाने शुरू किए। मेरे को पचास फॉलोअर था उस टाइम पे मैं पागल हर्ष अपने करियर एंड अपने एक्टिंग प्रोफेशन से काफी ज्यादा पैशनेट थे एंड इतने पैशनेट कि ही टुक द बिगेस्ट डिसीजन इन हिज लाइफ द ड्रॉप आउट मेरे को पता था मैं अगर बीसीए करूंगा तो मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगा और वीडियोस बनाऊंगा तो बीसीए नहीं कर पाऊंगा मेरे को एक चीज चूज करनी थी और मेरे को वो चीज चूज करनी थी जिसमें मेरा मन था जो मेरा पैशन था। 6 May 2015 वीडियोस के स्टाइल वेंट फ्रॉम वाइंस टू स्केच प्लस वाइंस एंड देन फिर 20 मिनट के स्केच कॉमेडी वीडियोस भी आ रहे थे एंड फिर टीम मेंबर्स भी बढ़ते गए बिकॉज हर्ष का एक माइंडसेट था द मोर पीपल इन द प्रोडक्शन हाउस द मोर क्रिएटिविटी एंड नाउ ये काइंड ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेटजी है व्हिच वाज आल्सो यूज्ड बाय मिस्टर बीस्ट वेल वी हैव फोर फ्रेंड्स हु आर आल्सो इक्वली ग्राइंडिंग इन समथिंग सिमिलर फ्रेंड नंबर 1 मेक्स अ मिस्टेक ऑन फ्राइडे ही टीचेस द अदर फोर पीपल फ्रेंड नंबर 2 मेक्स अ मिस्टेक द नेक्स्ट वीक टीचेस एवरीवन एंड देन लाइक यू आर ऑल लर्निंग फ्रॉम ईच अदरस मिस्टेक्स यू आर ऑल कांस्टेंटली स्टडीइंग 24/7 एंड डाउनलोडिंग ईच अदर बट इस स्ट्रेटजी की एक नेगेटिव साइड भी है जिसके लिए हर्ष बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। On 2018, हर्ष के दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स विशाल और सचिन डिसाइड करते हैं कि दे वांट टू लीव हर्ष बिना किसी एक्सप्लेनेशन के दे बोथ लेफ्ट द टीम ऑफ हर्ष बेनीवाल एंड दिस हैज अ वेरी हार्श इफेक्ट ऑन हिज चैनल। सबसे पहला एक ही झटका लगा था मेरे को जो दो लड़के थे मेरी टीम में विशाल सचिन कोई दिक्कत नहीं मेरे को नाम लेने में साइन मतलब बुरी चीज़ पता क्या लगी कि बचपन के दोस्त थे मोहित ने कहा भाई उनको जाने दे अब क्या करें हमने बहुत रोका हम रोए भी थे। मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की जिसमें टाइगर श्रॉफ अनन्या पांडे यूट्यूब स्टार हर्ष बेनीवाल और तारा सुतारा मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी है। फिल्म का नाम स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर 2 रखने के बजाय 3 इडियट्स रखना चाहिए। ट्रेलर देखा बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का लेकिन उसमें एक भी ऐसा सीन नहीं जिसमें पढ़ाई चल रही है। एकदम टाइम पास है। देयर इज नो स्टोरी, देयर इज नो एंटरटेनमेंट, देयर इज नो आर ऑफ रियलिटी, देयर इज नो एब्सोल्युटली नथिंग इन दैट। The critics, the reviews and the ratings बहुत ही terrible मिले फिल्म को and student of the year 2 बने biggest flop of 2019 and this was the only issue कि हर्ष ने गलत फिल्म चूज करी। यहाँ पर हर्ष की भी गलती नहीं थी because at the end of the day Bollywood में enter करना ही उनका first goal था। So guys that is it for today's video and thanks for watching। मिलते हैं अगली video में, till then peace out।